आप जिस तरह से जानते हैं कि जागो उत्तराखंड केवल एक समाचार पत्र, एक फेसबुक पे एक पेज या एक सोशल मीडिया में चलने वाला एक नेटवर्क नहीं है, एक पोर्टल नहीं है, ये एक आंदोलन है जिसके माध्यम से हम जनता की समस्याओं को न केवल उठाते हैं, उन प्रतिभाओं को भी मौका देते हैं जो कि समाज के लिए कुछ कर सकती हैं। अभी मेरे साथ सुदीप कपरवाण हैं जो यमकेश्वर के इस इलाके से यहाँ पे क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं और खास तौर पे ये जागो उत्तराखंड से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और यहाँ की जो भी जन समस्याएं हैं उनको उठाते रहते हैं। और हमारा भी जागो उत्तराखंड की जो टीम है, हमारा भी दायित्व है कि इनको समर्थन दें और कहीं ना कहीं लोगों से अनुरोध करें कि ये अगर विजयी होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी समस्याओं के समाधान की हम गारंटी भी आपको दे सकते हैं। सुदीप, लंबे समय से हम लोग लगे हैं, समाज की जो भी समस्याएं हैं, चाहे सड़क की है, चाहे पानी की है, या किसी भी तरह की कोई समस्या है, उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, आप लगातार यहाँ से रिपोर्ट्स भेजते हैं और चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है जनता से? जी देखो, अभी जो हम जनता के बीच में जा रहे हैं, बुजुर्ग हैं गांवों में, माताएं बहनें हैं, बच्चे हैं, सभी हैं। तो अभी जो हमारा जो मैंने चीज देखा, घर घर जाके देखा कि अभी भी हम मूलभूत समस्याओं के लिए अभी भी जूझ रहे हैं। जो हालत 20 साल पहले थी कि राशन कार्ड में नाम नहीं है, परिवार रजिस्टर में ये दिक्कतें हैं, चाहे वो नीचे लेवल से लगाए देखा जाए या ऊपर तक, तो सारे खामियां हैं। तो इनका कारण हम लोग भी हैं, ग्रामवासी भी हैं, सभी लोग हैं, तो प्रधान भी हैं, सभी लोग हैं। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी जागरूक उम्मीदवार चुनाव या तो जीत नहीं पाता है। होता क्या है कि कहानी शुरू होती है, माना कोई दो उम्मीदवार हैं कि ये इस पार का है, ये उस पार का है, फिर हो जाता है कि ये ब्राह्मण है, ठाकुर है, फिर हो जाता है कि ये मेरे पास पहले हुआ या बाद में ही आया। तो अगर हम इन मुद्दों से टिके रहेंगे हमेशा, तो फिर जब एक तरह से समय बदल रहा है, 2020 चल रहा है, केंद्र से लेके राज्य से लेके इतना तक गवर्नमेंट इतना बदलाव ला रही है, तो हम क्यों नहीं बदलाव के लिए तैयार हो रहे हैं? अभी सरकार ने ये किया कि हाई स्कूल पास कर यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और दो बच्चों वाले। तो जब सरकार बदल रही है जिनको तुमसे प्रत्यक्ष रूप में कोई फायदा नहीं है, तो आप लोग क्यों नहीं अपनी सोच बदल रहे हो? तो अभी मैं घर घर जा रहा हूँ, देखो अभी तो हमने जनसंपर्क लगातार तीसरी या चौथा राउंड है मेरा अपने क्षेत्र में। तो यही देखा कि आप वोट दें, किसी को भी दें, हमने अभी तक, मैं सच्चाई बताऊं, अपने लिए वोट भी नहीं मांगा। यह है कि आपको जो सही लगता है, जो आपकी समस्याओं को उठा सकता है, जो उनका निराकरण करवा सकता है, आप सक्षम आदमी को चुनिए। होता है, माहौल ये भी होता है कि लोग शराब में भी बिक जाते हैं, भैया पहले दिन चुनाव के पहले दिन 2-4 दिन पहले शराब भी पिलवा दी, ये अन्य सारी चीजें आती हैं, कभी पैसे भी बढ़ते हैं, हर चीज होता है। तो अगर आप कोई भी अगर उम्मीदवार इन चीजों पर अगर जीतता है, शराब पे या पैसों पे, तो वो कभी किसी के काम नहीं आ सकता। ठीक छा अच्छा और के वणा तो काम क्यों है काणा लंग क्या कर अब गए बाल वोटो को ना मिनवल चलो बा नहीं आयो मेरा तो दलाल कोई तरह का नहीं मे भी आप वोट चुनाव कौन छो मे भी आता हां नहीं देखो कोई बात तुम दली चला दबा अरे बोले फो ये बोल लेट ले बोल निकल रहे धर्म लेट लगा देखो है कि नहीं अरे को बाट बना दे बोल हां बाट बना दे ला और लेट अकाउंट में प्रयास कर लू लैड लॉल स्वास्थ्य पैन ठीक से। तो मैं यही उम्मीद करूंगा अपनी क्षेत्रीय जनता से, संपूर्ण यमकेश्वर से या संपूर्ण जहां जहां भी समय चुनाव चल रहे हैं, कि आप ये भेदभाव जातिगत या क्षेत्र का जो भेदभाव है, पहले आया बाद में आया, उसको ना देख के, चाहे रिश्तेदारी भी, लोग रिश्तेदारी भी देख रहे हैं कि हमारा रिश्तेदार है उसको जिताएं, तो अब इन चीजों को जोड़ के अगर कोई जीतेगा तो कल को आप उसे काम के लिए नहीं बोल पाओगे। जी बिल्कुल सुदीप, आपने सही कहा कि छोटी छोटे जो हमने दायरे बनाए हुए हैं कि जाति के नाम पे उलीछाल पलेछाल के हिसाब से कि आप उधर रहते हैं मैं इधर रहता हूँ, खोले के हिसाब से तल खोल मल खोल इन बिल्कुल बड़े जो, तो इस तरह की जो छोटी छोटी संकीर्णता हम रखेंगे तो बिल्कुल भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ख़ास तौर पे जो यमकेश्वर का ये इलाका है, यहाँ पर अगर जनप्रतिनिधि यहाँ पे मजबूत नहीं है और जनता की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए ईमानदार नहीं है, तो मुझे लगता है कि आज भी जो है जो हम उत्तराखंड बन गया है उसके बाद अगर कोई इलाका सबसे ज़्यादा पिछड़ा है पौड़ी का, तो मुझे लगता है कि यमकेश्वर
ब्लॉक है जहाँ की सड़कों की स्थिति खराब, जहाँ पर भालू का आतंक, जहाँ पे पानी की समस्या, छोटे छोटे बच्चे नदी पार करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर बरसात में पार करते हैं। तो ये समय है कि कम से कम जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको सोच में रख के, उनको दिमाग में रख के जनता यहाँ पे मतदान करे। और सुदीप जैसे जो लोग हैं, जो चाहे जीते या हारें, ये आपके बीच में रहेंगे और हम भी आपके बीच ये जो मुद्दे उठाते रहे हैं, अगर ये जनप्रतिनिधि के रूप में उठाते हैं तब भी जो वहाँ पे पौड़ी में मुख्यालय में सरकारी अधिकारी हैं या मंत्री हैं उनसे समाधान करवाने की गारंटी देते हैं। और दुर्भाग्य से अगर ये नहीं भी जीत पाते तो भी हम जागो उत्तराखंड का, आपकी जन सेवा का मिशन बिल्कुल जारी रखेंगे। जागो उत्तराखंड के लिए यमकेश्वर से आशुतोष नेगी।